आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए हम लोग कुछ फूड के बारे में बात करते हैं जो हम सब लोग जानते हैं। हमारे घर में ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और इसे घरेलू उपचार में ला सकते हैं। डेली रूटीन में ये सब फूड को शामिल करने से हम अपना इम्यून सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। आंवला। आंवला में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ उसमें कैल्शियम, आयरन, फॉस्फरस, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होते हैं। आंवला हमारे आँख की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ आंवले में एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं, जो कि बॉडी को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। आंवला का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा हो उसका जूस करके पी सकते हैं, आंवले का अचार बनाकर उसे खा सकते हैं, या कच्चा आंवला भी खाना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा फूड है अदरक। अदरक को भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स भी कहलाता है। अदरक में कई औषधीय फायदे भी हैं। ये विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स का एक अच्छा माध्यम होता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फरस, आयरन, जिंक, बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ में ही अदरक एंटी बर्न, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल का काम भी करता है। ये अदरक हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। जिन्हें घुटनों में दर्द जैसी समस्या होती है उनके लिए भी अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है। माइग्रेन का अटैक आने पर अदरक का खाने से बहुत राहत मिलती है। तीसरा फूड है गार्लिक, लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक एक मुख्य कंपाउंड होता है, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन B1, B6, विटामिन सी, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा बना रहता है, साथ ही साथ ही हार्ट को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। सर्दी खांसी के लिए तो लहसुन एक रामबाण उपाय होता है। लहसुन इन्फेक्शन से बचाता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी लहसुन का उपयोग किया जाता है। अगला है हल्दी। हल्दी अपने में ही बहुत ज़्यादा गुणकारी औषधि होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व मौजूद होता है, जिसके चलते ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टेरियल गुणों में समृद्ध होता है। जितना ज़्यादा करक्यूमिन होगा उतना ही ज़्यादा हल्दी हेल्दी होगा। हल्दी को नेचुरल लीवर डिटॉक्सिफायर भी कहते हैं। इसके यूज से ब्लड में जो पॉइजनस एलिमेंट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलने में मदद करते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। साथ ही साथ हल्दी के सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें आयरन और पोटेशियम भी मिलता है। पोटेशियम के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी बहुत ही ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी मदद करता है। ऑरेंज के सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ में ये हमारा स्टेमिना बढ़ाने में भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। संतरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक टॉनिक की तरह काम करता है।